श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 27.2 कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। गीता 3.6। गेरुआ वस्त्र और सन्यासी। अभिनय में भी झूठा आचरण नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण की समाधि छूटने लगी। भाव में आप ही आप बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण गेरुआ देखकर, यह गेरुआ क्यों? क्या कुछ लपेट लेने ही से हो गया? हंसते हैं। किसी ने कहा था, चंडी छोड़कर अब ढोल बजाता। पहले चंडी के गीत गाता था, फिर ढोल बजाने लगा। सब हंसते हैं। वैराग्य 3-4 प्रकार के होते हैं। जिसने संसार की ज्वाला से दग्ध होकर गेरुआ धारण कर लिया है, उसका वैराग्य अधिक दिन नहीं टिकता। किसी ने देखा, काम कुछ मिलता नहीं, झट गेरुआ पहनकर काशी चला गया। 3 महीने बाद घर में चिट्ठी आई। उसने लिखा है, मुझे काम मिल गया है, कुछ ही दिनों में घर आऊंगा, चिंता न करना। परंतु जिसके सब कुछ है, चिंता की कोई बात नहीं, किंतु फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता। अकेले अकेले में भगवान के लिए रोता है। उसी का वैराग्य यथार्थ वैराग्य है। मिथ्या कुछ भी अच्छा नहीं, मिथ्या वेश भी अच्छा नहीं। वेश के अनुकूल यदि मन न हुआ तो क्रमशः उससे महा अनर्थ हो जाता है। झूठ बोलने या बुरा कर्म करने से धीरे धीरे उसका भय चला जाता है। इससे सादे कपड़े पहनना अच्छा है। मन में आसक्ति भरी है, कभी कभी पतन भी हो जाता है। और बाहर से गेरुआ, यह बड़ा ही भयानक है। केशव के घर जाना और नवबृंदावन दर्शन। यहां तक कि जो लोग सच्चे हैं उनके लिए कौतुकवश भी झूठ की नकल बुरी चीज है। केशव सेन के यहां मैं नवबृंदावन नाटक देखने गया था। न जाने कैसा क्रॉस वह लाया और फिर पानी छिड़कने लगा। कहता था शांति जल है। एक को देखा मतवाला बना बहक रहा था। ब्रह्म भक्त कुबाबू थे श्री रामकृष्ण। भक्त के लिए इस तरह का स्वांग करना भी अच्छा नहीं। उन सब विषयों में बड़ी देर तक मन को डाल रखना दोष है। मन धोबी के घर का कपड़ा है। जिस रंग से रंगोगे वही रंग उस पर चढ़ जाएगा। मिथ्या में बड़ी देर तक डाल रखोगे तो मिथ्या ही हो जाएगा। एक दूसरे दिन निमाई सन्यास का अभिनय था। केशव के घर में मैं भी देखने के लिए गया था। केशव के कुछ खुशामदी चेलों ने अभिनय बिगाड़ डाला था। एक ने केशव से कहा, कलिकाल के चैतन्य तो आप ही। केशव मेरी ओर देखकर हंसता हुआ कहने लगा, तो फिर ये क्या हुआ? मैंने कहा, मैं तुम्हारे दासों का दास, रज की रज हूं। केशव को नाम और यश की अभिलाषा थी। श्री रामकृष्ण अमृत और त्रैलोक्य से। नरेंद्र और राखाल आदि ये जो लड़के हैं, ये नित्य सिद्ध हैं। ये जन्म जन्मांतर से ईश्वर के भक्त हैं। अनेक लोगों को बड़ी साधना के बाद कहीं थोड़ी सी भक्ति प्राप्त होती है, परंतु इन्हें
जन्म से ही ईश्वर पर अनुराग है, मानो स्वयंभू शिव है, बैठाए हुए शिव नहीं। नित्य सिद्धों का एक दर्जा ही अलग है। सभी चिड़ियों की चोंच टेढ़ी नहीं होती, ये कभी संसार में नहीं फंसते जैसे प्रहलाद। साधारण मनुष्य साधना करता है, ईश्वर पर भक्ति भी करता है और संसार में भी फंस जाता है। स्त्री और धन के लिए भी हाथ लपकाता है, मक्खी जैसे फूल पर भी बैठती है, बर्फियों पर भी बैठती है और विष्ठा पर भी बैठती है। सब स्तब्ध है। नित्य सिद्ध तो मधुमक्खी की तरह होते हैं। मधुमक्खियां केवल फूल पर बैठती हैं और मधु ही पीती हैं। नित्य सिद्ध राम रस का ही पान करते हैं, विषय रस की ओर नहीं जाते। साधना द्वारा जो भक्ति प्राप्त होती है, इनकी वह भक्ति नहीं। इतना जप, इतना ध्यान करना होगा, इस तरह पूजा करनी होगी, यह सब विधिवादीय भक्ति है। जैसे किसी गांव में किसी को जाना है, परंतु रास्ते में धनहे खेत पड़ते हैं तो मेड़ों से घूमकर उसे जाना पड़ता है। अगर किसी को सामने वाले गांव में जाना है परंतु रास्ते में नदी पड़ती है तो टेढ़ा रास्ता चक्कर लगाते हुए ही पार करना पड़ता है। राग भक्ति, प्रेमा भक्ति, ईश्वर पर आत्मियों की सी प्रीति होने पर फिर कोई विधि नियम नहीं रह जाता। तब का जाना धनहे खेतों की मेड़ पर का जाना नहीं, किंतु कटे हुए खेतों से सीधा निकल जाना है, चाहे जिस ओर से सीधे चले जाओ। बाढ़ आने पर फिर नदी के टेढ़े रास्ते से नहीं जाना पड़ता, तब इधर उधर की जमीन और रास्ते पर एक बांस पानी चढ़ जाता है, तब तो बस सीधे नाव चलाकर पार हो जाओ। इस राग भक्ति, अनुराग या प्रेम के बिना ईश्वर नहीं मिलते। अमृत महाराज, इस समाधि अवस्था में भला आपको क्या जान पड़ता है? श्री राम कृष्ण, सुना नहीं, भौरे की चिंता करते करते झींगुर भौरा ही बन जाता है। वह अनुभव कैसा होता है जानते हो? मानो हंडी की मछली को गंगा में छोड़ दिया हो। अमृत, क्या जरा भी अहंकार नहीं रह जाता? श्री राम कृष्ण, हां, बहुधा मेरा कुछ अहंकार रह जाता है। सोने के एक टुकड़े को तुम चाहे जितना घिस डालो, अंत में एक छोटा सा कण बचा ही रहता है। और जैसे कोई बड़ी भारी अग्नि राशि है, उसकी एक जरा सी चिंगारी हो, बाह्य ज्ञान चला जाता है, परंतु प्रायः थोड़ा सा अहंकार रह जाता है। शायद वे विलास के लिए रख छोड़ते हैं। मैं और तुम, इन दोनों के रहने ही से स्वाद मिलता है। कभी कभी इस अहम को भी वे मिटा देते हैं। इसे जड़ समाधि या निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तब क्या अवस्था होती है यह कहा नहीं जा सकता। नमक का पुतला समुद्र नापने गया था, ज्यों ही समुद्र में उतरा कि गल गया, तदाकाराकारित। अब लौटकर कौन बतलाए कि समुद्र कितना गहरा है? राम कृष्ण शरणम शरण्ये, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम।